से लगने से घायल हुए और चारों जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा 10 जवान और हैं जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार वहीं कैंप में किया जा रहा है। और जो जवान सारे जवान खतरे से बाहर है, एक जवान जो है उनको जो है ज्यादा गोली लगने के कारण ज्यादा ब्लडिंग हुआ है, जिसकी स्थिति जो है काफी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है बाकी सभी जवान जो है खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने 3 IED बरामद की है। 3 किलो की एक और 5 किलो की 2 IED बरामद हुई है। एक IED को मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। सर्चिंग के दौरान जवानों को सफलता मिली। ग्राम हिरौली में नक्सलियों ने IED लगाई थी, जिसके बाद ये सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया और यहां पर जो IED मिली थी, 3 IED उन्हें नष्ट किया गया है। और चलिए एक नजर टॉप 50 खबरों पर।